live like a roar of the Sher Khan, because Voice of Nation All Pakistan, it's time to roar. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लियारी की पहचान इस टाइम जो है वो आपको कहा जा रहा है। शेर खान जी, मुझे ये बताएं कि लियारी में जो है, मतलब हम आए दिन देखते हैं कि बॉक्सिंग का टैलेंट आ रहा है जी, मार्शल आर्ट इवन के वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक यूनिक सा एक टैलेंट है जो आप लेकर आए हैं, जो और तो और टैलेंट तो लेकर आए, लेकिन आपने जो है टाइटल भी जीता, अपने नाम किया टाइटल, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील करते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो मैं ये फील करता हूँ कि ये मेरे रब की ज़ात की जो है वो देन है, उन्होंने अल्लाह पाक ने नवाजा, ये मेरी कौम की दुआएं, मेरे वालदेन की दुआएं और जितने मेरे फैंस हैं, इंटरनेशनल और नेशनल फैंस हैं, उनकी दुआएँ का समर है ये कि मैं आज पूरी कौम का जो है सर फख्र से बुलंद कर गया और जो है सब जिलाली परचम बुलंद करके आया, रेस कर गया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को ये बताया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान ऑलवेज बी अ जिंदाबाद। मुझे ये बताएं शेर जी कि मतलब कि ये आइडिया, ये शौक क्या बचपन से था या फिर बाद में हुआ देखा देखी में? मैं एक्चुअली जो है वो बचपन से रेसलिंग बड़ा शौक से देखता था, जो छोटे 3-4 साल की उम्र में मैं छोटा भाई आपस में प्रोफेशनल रेसलिंग खेलते थे, और आज जो है मैं 2018 में जाके मैंने ये रेसलिंग ज्वाइन की, कि प्रोफेशनल रेसलिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको एंटर इसमें हुआ तो इसमें आज मैं 5 ईयर्स हो गए मुझे रेसलिंग के अंदर, प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, और जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल को, इस रेसलिंग को और ज़्यादा प्रमोट करूँ और इसको हाई लेवल पे लेकर जाऊँ, कि मैं खुद जो है वो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW का CEO हूँ और मैं इसी कंपनी का जो है मैं रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग का एशियन चैम्पियन भी हूँ। तो शौक तो बचपन से ही था, और मेरे जो फेवरेट रेसलर थे अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। वाह, अंडरटेकर, आपका लगभग गेटअप भी मुझे जो है आपके, स्पेशली बाल जो हैं वो मुझे अंडरटेकर जैसे ही लग रहे हैं, तो फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली अंडरटेकर, रोमन रेंस, ट्रिपल एच, द गेम, तो इन सबको मतलब फॉलो भी करते हैं, फैन है आप इन सबको फॉलो करता हूँ, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो गया, ये मेरे सारे फेवरेट रेसलर्स हैं। एक बच्चा होता है उसका कोई आइडियल होता है, वो चाहे सिंगर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर हो, कोई भी एक्टिंग के अंदर हो, तो वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया में आजकल जितने भी जो लड़के लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर इसी फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई आइडियल होना चाहिए, क्योंकि मेरा आइडियल थे ये रेसलर, तो WWE का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, WWE वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है। Exactly. और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन रेसलर के साथ मिल भी चुका हूँ। अच्छा। उनके साथ मैंने बैक स्टेज फाइट्स भी की हैं, हमारी कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जिनमें मैंने उनके साथ पार्टिसिपेट भी किया था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल की अगर बात की जाए, जैसे अभी आप मुझे बता रहे हैं कि काफ़ी सारे रेसलर से आप मिल चुके हैं, तो WWE की बात की जाए तो WWE के किस रेसलर से आप मिल चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह WWE के काफ़ी रेसलर जो है वो इंटरनेशनल 2019 में जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें आगे परफॉर्म किया था, इसमें राइनो, एल्बर्टो डेल रियो, JTG,
और उसके अलावा ग्रीस से रेसलर्स आए थे, एबिल केन, फिल बेंस, और उसके अलावा मुख्तलिफ और रेसलर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेसलिंग के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बैक स्टेज में हमारी फाइट्स भी हुई, उनके साथ हमने परफॉर्म भी किया और बड़ा मजा आया उनके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है ये प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, कौन करवाता है आपको प्रैक्टिस, और ये सब सिखाया किसने आपको? देखें 5 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रोफेशनल रेसलिंग में हो गए, अब तो इंटरनेशनल जाकर जो है मैं फाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अभी इंटरनेशनल से यूएसए जाने का है हमारे रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग की तरफ से, तो मैचेस वहाँ के लिए भी हैं क्योंकि वहाँ का थोड़ा सफ़र काफ़ी लंबा है। अच्छा। और दूर का है क्योंकि उसके लिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा आगे। अच्छा। और इसके अलावा इंटरनेशनल जितने भी WWE के रेसलर हैं हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेशन में है, हमारे साथ सोशल मीडिया पे सारे जो है हमारे साथ क्लोज हैं हमारे साथ, तो वो जब यहाँ आए थे तो उनसे हमने काफ़ी ट्रेनिंग ली और 5 ईयर्स मुझे हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लेवल पे हूँ। अब मैं और लड़कों को ट्रेन कर रहा हूँ और अच्छा। उनको आगे ग्रो कर रहा हूँ कि वो आगे इंडस्ट्री को ग्रो करें अच्छा। और आगे जाके वो टैलेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें अच्छा। रेसलिंग के। रेसलिंग के हवाले से हमारे जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको कैसे देखते हैं आप रेसलिंग के हवाले से? देखिए रेसलिंग के हवाले से अगर आप देखें फ्यूचर, तो सबसे पहले तो इंसान को अपना फ्यूचर खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल आपको आपकी मेहनत से आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी, कोई आपको उसमें हेल्प आउट नहीं करेगा। तो कोशिश ये करें कि वन मैन आर्मी की तरह रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हमें मेहनत, क्योंकि सक्सेस में मेहनत की शर्त नहीं है, सक्सेस में स्ट्रगल और उसके अंदर एक जुनून और जज्बा होना चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ करने का। अब मैं 5 ईयर्स पहले अपने आप को समझता था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर गट्स थे, मेरे अंदर जुनून और जज्बा था कि एक मुल्क का रेस परचम किसी दूसरे मुल्क में रेस करना एक छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए मुल्क के लिए मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मैंने पाकिस्तान का परचम किसी दूसरे मुल्क में रेस किया, जहाँ पर हमें एक मैसेज देना जाते हैं, हम किसी को मैसेज देने तो हम वहाँ मैसेज ये देते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनल रेसलिंग सिर्फ एक फ़ाइट की हमारी जगह नहीं है, ये जो है हमारी एक ऐसा पैगाम है, दोस्ती का पैगाम है जब हम वहाँ जाते हैं, ताकि हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाइल्ड ट्रेनिंग और मतलब जो भी आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें डाइट का क्या सीन है कि किस तरह का फूड आप लेते हैं, और सबसे जो स्पेशल चीज़ हो ये कि वर्कआउट में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो करनी है? देखें वर्कआउट में सबसे ज़्यादा आपका कार्डियो, इसके अलावा जिम की हमारी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इससे बिल्ड होता है आपका स्टेमिना, और जब तक आपके प्रोफेशनल रेसलिंग में मस्ट मैं कहता हूँ कि स्टेमिना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कि मसल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि हमारे सारे रेसलर टफ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं खुद जो है ऐसी डाइट लेता हूँ कि हमारे तकरीबन रेसलर जो है वो टफ डाइट लेते हैं, और उस डाइट को लोग दिन में 3 खाते हैं, 3 बार जो है मॉर्निंग का खाना, इवनिंग और डे नाइट में, तो हमारी मील्स अलग होती हैं, पर डे में 6-7 मील्स लेते हैं। अच्छा। तो इसमें जो है हमारा कार्डियो भी होता है, या फिर 3 टाइम में जो 6-7 लेते हैं? 6-7 जो है वो उसके डिवाइड करते हैं। अच्छा। मॉर्निंग में 2 बार खाया, इवनिंग जो है आफ्टरनून लंच के बाद कुछ खा लिया, उसके बाद कुछ खा लिया, फिर नाइट ट्रेनिंग से पहले, फिर ट्रेनिंग के बाद, फिर ट्रेनिंग से पहले, इस तरह हमें प्रॉपर अपनी डाइट को मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि फिजिकली और मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो आपकी डाइट में कोई ऑयली चीज़ें वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं? वैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये चीज़ें तो छोड़ भी नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें जब हमारे मैचेस करीब होते हैं, जर सी बात है एक इवेंट है, इवेंट से पहले उसकी तैयारी होती है, तो हम उसकी तैयारी से पहले अपने आप को उसी लेवल पर लाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो, हमारी जो है वो अक्सर हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि इसमें इंजरीज के चांसेस हो जाए, तो उस लिहाज से हमें मसल जो टिश्यूज़ हैं हमारे मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और इसी तरह हमारी डाइट को भी जो है 1000 कैलोरीज जो WWE के रेसलर रहते हैं हमारे लिए जो है वो 500 कैलोरीज भी जो है पर डे के लिए हमारे लिए बहुत है, कि हम जब पाकिस्तानी रेसलर्स हैं जब इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो उस हिसाब से फिर हमें डाइट लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से फिर हमें कंटिन्यूसली जो है अपने आप को फिजिकली गेन करना पड़ेगा, और
क्योंकि अभी ऐसा है कि WWE के रेसलर सख्त से हमने फाइट्स की, हमारे इंटरनेशनल रेसलर्स जो हैं उन्होंने WWE के रेसलर से फ़ाइट की, हम खुद WWE से जो बैक स्टेज डार्क इवेंट्स हम कर चुके हैं। तो चूँकि अभी हमारा जो है वो ऐसे मकाम मिल गया है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली WWE के रेसलर से फ़ाइट कर रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि वो लोग जो पाकिस्तानी ऑडियंस WWE सिर्फ TV में देखती है, और मेरी इंशाल्लाह ताला पूरी ये गट से कोशिश है कि REW के काफ़ी रेसलर जो है कोशिश कर रहे हैं, बाकी हिम्मत मर्दा मदद खुदा अल्लाह की ज़ात जो है इज्जत देने वाली है कि हम उस लेवल पे इंशाल्लाह जाएंगे, चाहे वो WWE हो चाहे वो AEW हो, उसका भी इंशाल्लाह पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। हमारे चैनल के थ्रू आपको मैसेज देना चाहें पब्लिक को? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ नेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW के प्लेटफॉर्म को एक मैसेज देने के लिए, एक प्रोफेशनल रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए एक अपना वक्त दिया, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए जो करता है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और आपका चैनल इसके लिए जो है मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल पर। मैं यही कहना चाहता हूँ अभी रिसेंटली 30 जुलाई को हमारा एक ज़बरदस्त इवेंट है, ब्लॉकबस्टर इवेंट्स, जिसका नाम है समर स्मैश, जो कि ये आ रहा है एट्रियम मॉल के अंदर 30 जुलाई को। तो काइंडली आप सब देखने वाले जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ। जो लोग रेसलिंग को जो है TV पे देखते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि लाइव देखें, कि प्रोफेशनल रेसलिंग जो लाइव देखने का मज़ा है, चाहे वो कोई भी एक स्पोर्ट हो, उसको लाइव देखने का मज़ा सबसे ज़्यादा आता है। तो आप आएँ हमारी रेसलिंग को ज्वाइन करें, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर दिस समर। और शेर खान की तरफ से आप सबको एक मैसेज है कि अपने वालदेन की खिदमत करें, मुल्क पाकिस्तान की दुआएं लें, और दुआओं से ही जो इंसान कामयाब बनता है, और उसी से उसको सक्सेस की डेस्टिनेशन पे अल्लाह कामयाबी अता करता है। और वन मोर थिंग, लिव लाइक अ रोर ऑफ द शेर खान, बिकॉज वॉइस ऑफ नेशन ऑल पाकिस्तान, इट्स टाइम टू रोर। और एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।